Delhi CM and AAP convener Arvind Kejriwal has announced that he will step down as the chief minister in the next 2 days. The big announcement came during Kejriwal's first party meeting at the AAP headquarters in Delhi today. Announcing his decision, Kejriwal said that the people of Delhi are more important than him or his status as a CM. In the meantime, Kejriwal has ruled out naming Manish Sisodia as a caretaker CM. Additionally, CM Kejriwal has also demanded that Delhi elections be held at the same time when Maharashtra goes to polls. So, a big announcement by CM Kejriwal ahead of the Haryana and Delhi elections. Arvind Kejriwal has announced his decision to step down as the Chief Minister of Delhi in the next 2 days. 2 days ke baad, aaj se 2 days ke baad, main CM ki kursi se istifa dene ja raha hu. और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे. मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा. आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है. मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना. अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना. आप अगर मेरे को अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा. अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा. तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा. अरे जितने भी लोग हैं सीएम साहब से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी की गंदी राजनीति से ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया, उनको बहुत ज्यादा आहत हुआ, उनके दिल को बहुत ज्यादा ठोस लगी है. और जिस तरीके से आज उन्होंने ये मतलब डिसाइड किया है कि सीएम मैं नहीं रहूंगा, ये हमारे लिए सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है. और हम लोग खुद सदमे में है कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है. और हम तो यही चाहेंगे कि हम उनको अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह देखते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सीएम साहब भी दिल्ली के सीएम साहब रहें. नहीं दे, मैं तो चाहूंगा इस्तीफा ना दे. जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत है, तो उस तरह के जो एलिगेशन लगे हैं, अब वो सीएम साहब जो है वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है. मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है. अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना. उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है. आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है. अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं. परंतु दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि आज दिल्ली की जनता के सामने तीन बातें एस्टैब्लिश हो चुकी है. एक, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनका जीरो बैंक बैलेंस है, तो भाई इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया आपने. अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और तब तक कोई और मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा. मतलब साफ है कि ये सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया था और पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं. और तीसरा, उनको आज समझ में आ गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पे दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग.